सो है गाइज, वेलकम बैक टू द माय अनदर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले कि आप किस तरह से रियलमी के C53 डिवाइस के अंदर ऑटो एयर पिकअप कॉल सेटिंग को एनेबल कर सकते हो। सो गाइज, इस सेटिंग को एनेबल करने से होगा, जब भी आपके डिवाइस के अंदर किसी का भी इनकमिंग कॉल आएगा तो सिंपली आप लोगों ने क्या करनी है, सिंपली आप लोगों ने अपने डिवाइस को अपने कान के पास लेना है एंड आपका जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। सो गाइज, सर इसके लिए सिंपली आप लोगों ने एक सेटिंग को एनेबल करना है, ठीक है गाइज। मैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल्ड नहीं कराने वाला हूँ गाइज, ये जो फीचर है आपके डिवाइस के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली गाइज आप लोगों ने सेटिंग को ऑन करना है, ठीक है। तो गाइज, आप कहाँ से सेटिंग को ऑन करोगे एंड गाइज वो सेटिंग क्या है, आज की स्टूडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, तो बस आप जुड़े रहो हम सकते इस स्टूडियो में आखिरी तक। बट आगे बढ़ से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल पर आएगा वेल का आइकन, उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए गाइज स्टूडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस इधर आपको साइड पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करनी है, देखो सिंपली गाइस आप लोगों ने अपने फोन के अंदर सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है गाइस। आप अपने Realme के C53 डिवाइस के अंदर सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। देन आप लोगों ने सिंपली इधर नीचे आना है, ठीक है। जैसे आप इधर नीचे आओगे तो गाइस काफी सारे यहां पर ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो सिंपली गाइस आप लोगों ने यहां पर आना है एडिशनल सेटिंग के अंदर, ठीक है। जैसे आप यहां पर एडिशनल सेटिंग के अंदर आओगे देन आप सभी के सामने कुछ इस तरह से यहां पर इंटरफेस दिखाई देगा। तो गाइस देखो अब आप लोगों ने क्या करनी है, ठीक है। सिंपल गाइस आप लोगों ने इधर नीचे आना है एंड जैसे आप गाइस इधर नीचे आओगे एक इधर ऑप्शन दिखाई देगा गाइस गेस्चेंस एंड मोटेंस का, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने इस पर टैप करना है एंड जैसे आप यहां पर इस पर टैप करोगे देन आप सभी के सामने कुछ इस तरह से यहां पर इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए अब आप लोगों ने क्या करनी है, तो गाइस यहां पर देखो जो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन ऑफ गेस्चर, ठीक है। तो गाइस इधर आप लोगों ने कुछ भी छड़कानी नहीं करनी है, सिंपली आप लोगों ने इधर नीचे आना है एंड जैसे आप इधर नीचे आओगे तो गाइस देखो यहां पर एक ऑप्शन आपको शो करेगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, ठीक है। देन नीचे पे शो करेगा ऑटो स्विच टू रिसीव। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करनी है, ये जो दोनों सेटिंग है ना, देखो गाइस मैं यहाँ पर अलाउ कर रहा हूँ, सिंपली आप लोगों ने इस तरह से दोनों सेटिंग को ऑन करके अलाउ कर लेना है, ठीक है। तो गाइस एक सेटिंग को मैंने अलाउ कर दिया है, ऑन करने के बाद मैं सेकंड सेटिंग को भी गाइस यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस अब ये सेटिंग हो चुका है, ठीक है, आपके डिवाइस के अंदर ये सेटिंग अप्लाई हो चुका है। तो अब आप लोगों ने क्या करनी है, देखो सिंपली गाइस इतना काम करना है देन एक बार ही अपना फोन को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। तो गाइस मैं अभी रिस्टार्ट नहीं करूंगा गाइस, अगर मैंने अभी रिस्टार्ट किया तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने इतना काम करना है एंड गाइस अगर आपके डिवाइस के अंदर गेस्चर्स एंड मोटर्स का ऑप्शन नहीं शो करता है तो गाइस आप हमें कमेंट में बताओ, गाइस जो एप्लीकेशन वाली ट्रिक है वो मैं लेके आप सभी के सामने आ जाऊंगा। तो दोस्तों आप इस तरह से रियलमी के C53 डिवाइस के अंदर ऑटो एयर पिकअप कॉल सेटिंग को एनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों आपके वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना एंड गाइस अपने वीडियो से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल पे आएगा वेल का आइकन उसको भी ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना। सो गाइस अगर आप लोग पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो गाइस आप इंस्टाग्राम पे आके कनेक्ट हो जाओ देन वहां पर हम दोनों बात भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।